हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांड रूट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आई कांट एक्सप्रेस इन दिस वीडियो मुझे कितना पसंद है। मेरा कोई भी चाहे छोटा मोटा, जैसे मुझे कहीं पे भी जाना होता है बट उसके बिना मैं नहीं जा पाती हूँ, आई एम सॉरी। एंड दिस विच वो प्रोडक्ट जो है वो है एक प्यारा सा हाइलाइटर जो कि मेकअप को प्रॉपर कंप्लीट कर देता है एंड जो ज़रूरी होता है आपको एक इल्यूमिनेटिंग या फिर एक ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए आपके फेस पे। एंड स्पेशली जब आप एक सेल्फी या फिर आप फोटो क्लिक करते हो तो वो उसमें एक अलग ग्लो दे देता है। सो यस, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगी एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। आपको सीखने को मिल सकता है मेरी इस वीडियो में। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं पहली बार तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। देख लीजिए अभी सब्सक्राइब किया है या नहीं। एंड यस, जो घंटी वाला बटन है ना, बेल आइकन, उसको भी हिट कर दीजिएगा जिससे सारे के सारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और आप मेरी एक भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो या फिर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। Now, without wasting any more time, let's quickly dive into. मेरे पास जो हाइलाइटर्स हैं, मैं आपको सही बताऊँ मेरे पे कोई ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, मतलब कोई अच्छा वाला वाइड कलेक्शन नहीं है, बट हाँ छोटा मोटा है। सो इन ऑल आई हैव टोटल 5 हाइलाइटर्स। ओके, मुझे सबसे मेरा जो फेवरेट हाइलाइटर है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगी एंड हाइलाइटर को कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइज यस, काफ़ी सारे टाइप्स में हाइलाइटर्स होते हैं। ये देखिए, ये है स्टिक हाइलाइटर जो कि है हाइलाइटर स्टिक, ये है शुगर की एंड दिस इज शैम्पेन चैम्पियन शेड। यस, शैम्पेन चैम्पियन शेड 01 एंड इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड गाइज। ये सारे स्किन टोन पे ईजिली चला जाएगा, फेयर टू मीडियम, इट इज़ लाइक वाव। एंड डस्की स्किन टोन को थोड़ा सा हो सकता है वॉश ऑफ करे बट ओवरऑल ये बहुत प्यारा शेड देगा। ये है मुझे, मैंने फैबबैक का, अगर आपने मेरा हॉल चेक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें मुझे ये हाइलाइटर मिला था, ये हाइलाइटिंग स्टिक है तो ये दोनों एक ही चीज़ हो गई। देन एक और फॉर्म में हमें हाइलाइटर आता है, वो है ये लिक्विड फॉर्म में, इट इज़ अ काइंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग आप बोल सकते हो। एंड इसका शेड है 02 पीच पाइनियर। ये भी मैंने अपने शुगर की वीडियो में शेयर किया था तो उसको भी मैं नीचे लिंक डाउन कर दूंगी, आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। एंड इसका भी सबका एप्लीकेशन सेम होता है, पॉइंट्स सेम होते हैं कहाँ अप्लाई किया जाता है, द ओनली डिफरेंस इन इज इन टाइप्स ऑफ हाइलाइटर्स। ओके, एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड माई पर्सनल फेवरेट आफ्टर दिस वन शुगर वन, ये है मेरा मास्टर क्रोम मेबलिन का मोल्टन गोल्ड, सॉरी 01 मोल्टन गोल्ड, 100 मोल्टन गोल्ड। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हाइलाइटर, लाइक अ बैंग ऑन हाइलाइटर फ्रॉम माई साइड। आई एम इन लव विद दिस वन। एंड ये एक और हाइलाइटर है जो कि है कैमेलॉन का 5D शिमर, ये मैंने बाय किया था पर्पल से, आई गेस मैंने आपके साथ वो भी हॉल शेयर किया हुआ है तो आप प्लीज़ इसको भी जाके देख लीजिएगा, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। एंड या अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हाइलाइटर से वो है ये वाला शुगर का शैम्पेन चैम्पियन स्टिक वाला हाइलाइटर। गाइस, इसका जो आप शेड देखेंगे ना, ये बिल्कुल स्किन टोन पे मतलब इजीली मैच करेगा और मैं इसी के साथ आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे हमें अप्लाई किया जाता है हाइलाइटर। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं ब्रिज ऑफ दी नोज पे। ओके, एंड इस वाले जो हाइलाइटर की खास बात है, लाइक जो स्टिक वाले जो हाइलाइटर्स होते हैं उसकी खास बात होती है, एक तो ये रिट्रैक्टेबल टिप होती है, मतलब आप इसको वो कर सकते हो, मूवेबल कर सकते हो, नीचे से ये घुमाए जा सकते हैं। एंड दूसरी, इसमें आपको कोई अलग से ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इट इज़ अ वेरी मच प्लस पॉइंट। जब भी मुझे जल्दी में कहीं जाना होता है, थोड़ा बहुत भी अपना बेस रेडी किया एंड इससे बस मैं लगा के अप्लाई करके चले जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप ब्रश लो एंड यू नो फिर आप पूरे स्टेप्स फॉलो करो, जस्ट यू आर गुड टू गो विद दिस हाइलाइटर। बहुत ज़्यादा रनी है, बहुत ज़्यादा आप जल्दी काम कर सकते हो इससे। एंड इसके बाद एक और चीज़ मैं बता दूँ,
ये जो तीन चार तरीके के हाइलाइटर्स हैं मेरे पास, इसके साथ एक और हाइलाइटर आता है टाइप्स ऑफ हाइलाइटर में, वो होता है लिक्विड वाला हाइलाइटर। उसको मोस्टली जो आप बेस के साथ मिक्स करके करते हो अप्लाई, तो ना बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग ग्लो आ जाता है फेस पे, लाइक ऐसा लगता है कि आप नेचुरली आप इतना ग्लो कर रहे हो। तो वो वाला हाइलाइटर भी होता है, मोस्टली वो एक पंप टाइप ऑफ बॉटल में आता है। अगर मैं कभी फ्यूचर में लूँगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो दीज आर बेसिक काइंड्स ऑफ हाइलाइटर एंड या तो सबसे पहले हम लगाते हैं ब्रिज ऑफ द नोज पे, देन आर चीक एरिया, ओके दिस काइंड ऐसे ऐसे डॉटेड वे में लगाया जाता है, देन इधर फोरहेड पे, ठीक है, इधर थोड़ा सा ये आईब्रो स्टार्टिंग की कवर करते हुए, ज़्यादा नहीं बहुत हल्की सी, एंड दिस क्यूपिड्स बो, दिस वन एरिया इज बहुत ज़्यादा लाइट एरिया होता है ये, जस्ट अबव योर अपर लिप्स, जस्ट अबव योर लिप्स, ओके, बहुत ज़्यादा माइनर वाला अपर लिप का एरिया कवर होता है, बहुत हल्का। तो यहाँ पे एंड ये चिन एरिया, एंड यस यू आर गुड टू गो। बस इसको आप हल्के से स्मच कर लीजिए अपने हाथ अपनी फिंगर के साथ, फर्स्ट सेकेंड कोई भी फिंगर आप यूज़ कर सकते हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, एंड या और यहाँ पे भी ये जो हमारे आईब्रोज के हाई पॉइंट होते हैं इस जगह, ठीक है, एंड इनर कॉर्नर्स ऑफ माई आईज, वो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, या सो इट्स ऑल डन। इसके बाद हमेशा हाइलाइटर में आप याद रखिए, जब भी आपने पूरा अपना मेकअप कर लिया है आफ्टर टोटल योर कंप्लीटिंग मेकअप, उसके बाद आप लास्ट में, सबसे लास्ट स्टेप होती है हाइलाइटिंग की, एंड उसके बाद आप एक फिक्स मेकअप फिक्सर से मेकअप फिक्स करिए, एंड देन यू आर पार्टी रोल ऑन, ओके गाइज। और यस, अगर आप मेरी माने तो आप एक ही वाला हाइलाइटर डेफिनेटली ले सकते हैं फ्रॉम फॉर मीडियम फेयर टू मीडियम स्किन टोन, एंड ये वाला हाइलाइटर जो कि है मेबेलिन का मास्टर प्रोम मोल्टन गोल्ड 100, एंड गाइस इसमें आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, बट वो आईब्रो कवर करने के लिए एंड इनर आइज के लिए, बाकी एज सच आपका हाथ से हो जाएगा ईजीली। ये भी, ये तो सारी स्किन टोन पे जाता है, इट इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हाइलाइटर, सी दिस वन, ये वाला मैंने ये किया है ऊपर वाला, बहुत लाइट लगाया है, मे बी आपको शायद ना दिख रहा हो बट इट इज़ जस्ट वाव, ठीक है। देन नेक्स्ट वन जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये थोड़ा सा गोल्डन है, डार्क गोल्डन आप कह सकते हो, इसमें ब्रॉन्ज लुक टाइप का, बट ये बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सटल लगता है, जब आप एक यू नो हेवी पार्टी मेकअप करते हो तो उसके साथ सटल बैठ जाता है, चला जाता है इजीली, मुझे अच्छा लगा ये वैसे ओवरऑल, और स्टिक भी है ना तो मतलब काफ़ी हैंडी है, ट्रेवल फ्रेंडली भी है, ऑल्दो वी हैव नॉट ट्रेवल्ड आफ्टर यू नो दिस कोरोना, बट या इन फ्यूचर मैं सोच सकती हूँ। नेक्स्ट जिसका मैं बताने वाली हूँ आपको वो है ये शुगर का पीच पाइनियर, इसको ना मैं यूज़ नहीं कर रहा है ज़्यादा भी, एक या दो बार ही यूज़ किया है मैंने, वो भी बस जस्ट फॉर ट्रायल, बट येस इट इज़ अ ब्यूटिफुल हाइलाइटर, मैंने इसकी कैप में से ही ले लिया है अभी आपको दिखाने के लिए, एंड दिस इज़ द शेड पीच पाइनियर, ये वाला है, ये बहुत प्यारा है, एंड ये भी मीडियम टू फेयर स्किन टोन पे ईजिली जाएगा, डस्की को थोड़ा सा ये वॉश ऑफ कर सकता है, तो प्लीज़ आप इसको ना बाय करें, बट येस काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन इसके साथ भी थोड़ा सा यू नो आपको टाइम देना पड़ेगा, जब भी आप इसको यूज़ करें तो सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, वैसे ही काफ़ी शाइन कर रहा है, देखिए कितना अच्छे से ये शाइन कर रहा है, तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वाला हाइलाइटर, एंड ये मेरा जो शेड था इसका था ये पीच पाइनियर 02, ओके देखिए मैं इसको ना अपने नोज पे लगाती हूँ, ओह गॉड सी माय टिप ऑफ द नोज, ओके देन दिस वन इज कैमिलॉन का 5D शिमर हाइलाइटर। टू बी वेरी वेरी ट्रू विद यू पीपल, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैंने इसको यू नो मेरा लाइफ का शायद पहला हाइलाइटर था ये जो मैंने बाय किया था, एंड मैंने कोई रिव्यूज़ वगैरह चेक नहीं किए थे, बस पर्पल पे ऐसे ही उठा लिया था मैंने,
तो इसकी सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि ये चंकी है, यू नो, चंकी पार्टिकल्स इसमें से डस्क ऑफ होते रहते हैं। आप देख सकते हो इसके साइड में भी काफ़ी ज़्यादा इसके शिमर निकल चुके हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बॉडी लुक देता है। बट या अगर आप एक यू नो आपकी मैरिज है या फिर आपके कोई फैमिली फंक्शन है ऐसा हैवी वाला, वेडिंग वगैरह या कुछ ऐसा, तो आप इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हो उसमें। एंड इवन आई थिंक ये एज एन आई शैडो भी अच्छे से वर्क करेगा। तो मैंने इसको अप्लाई किया है एक या दो बार ही, ऐसे ज़्यादा नहीं किया है अप्लाई, बट बस ये शिमर ज़्यादा है तो इसीलिए। बाकी इसका शेड बहुत अच्छा है, मेरे अभी दिख नहीं रहा है तो इसको दोबारा कर रही हूँ। सी, एकदम प्रॉपर क्रीम शेड है, बहुत अच्छा शेड है। ये देखिए मैंने इसको इधर भी लगाया, ओह गॉड, बहुत ज़्यादा वाला डिफरेंस दिख रहा है मेरे फेस पे। आई एम लुकिंग लाइक अ क्लाउन, बट आई इट्स टोटली फाइन विथ मी, क्योंकि आई एम इन लव विथ हाइलाइटर्स। सो गाइज, यस, ये थे मेरे कुछ प्यारे से हाइलाइटर्स एंड सम ऑफ माई फेवरेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे। व्यूज़ आ रहे हैं बट अनसब्सक्राइब पीपल से ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल पे। ओके, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।